वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज एडिटिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 ऑन पेज नंबर 236। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। नाउ In this chapter, let us learn how to enter and edit the data in Excel, right? How to enter data in Excel or spreadsheet, okay? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन करना मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। सो आई विल सी योर हाउ टू ओपन। ऑल फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, then you may select Microsoft Office, then Microsoft Excel. Okay, I have already opened Microsoft Excel. Some content is here. So let's start the chapter. How to enter in a worksheet? किस तरीके से worksheet, ये जो एक sheet है आपकी, इसमें enter करते हैं, ठीक है? मैंने पहले से ही एक content text लिखा हुआ है, name, roll number, डेट ऑफ बर्थ। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ रोल नंबर्स हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई है। सो एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट मींस क्या होता है, टू एंटर डेटा इन अ सेल, ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू द डिजायर्ड सेल एंड देन टाइप द डेटा। ठीक है, आपने कोई, मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेती हूँ, सपोज आदित्य। आपको अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाना है वन सेल टू अनदर सेल। टैब से आप आ सकते हो या फिर एरो कीज आप प्रेस कर सकते हो। टाइप कर सकते हो कोई भी रोल नंबर और सिंपली ऐड कर सकते हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, राइट? ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट सेल पर हम आ जाएंगे। नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं आप, इसमें सिंबल्स भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है? हर सेल का एक खुद का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? किसी में आप जर्नल वे में लिखते हो, किसी में आप न्यूमेरिक वे में लिखते हो, किसी में आप डेट एंड टाइम के वे में लिखते हो, तो हर एक सेल का अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है। देखते हैं। सो नेक्स्ट आपका इसमें आता है एंट्री नंबर एज टेक्स्ट। आपने नंबर लिखा लेकिन एज अ टेक्स्ट आपको किस तरीके से शो होगा? सपोज़ मैंने एक नंबर लिखा 01481, ठीक है? तो ज़ीरो इसमें आपका दिखा नहीं। अब फॉर्मेट में हम कैसे जाएंगे? यहाँ पे भी एक रिबन पे आपके जर्नल ऑप्शन आते हैं और इस तरीके से एक ओपन होती हैं कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक कीजिए आप, फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन आएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। ओके, इस तरीके का फॉर्मेट सेल के नाम से आपके पास ऑप्शंस आते हैं। जर्नल में है, टेक्स्ट में अगर आपको लिखना है तो टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। ओके कर दीजिए, ये टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। अगेन आपको ज़ीरो शो नहीं हो रहा था, वापस से फॉर्मेट सेल में आप जाइए, डेट एंड टाइम पे आप जाइए या फिर नंबर्स पे आप जाइए, नंबर्स पे आके डेसिमल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हर एक क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है? वापस से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जर्नल फॉर्म में आ गए। ओके, मैंने यहाँ पे आपके 01481 मेंशन किया था डिजिट, बट इसमें ज़ीरो नहीं मेंशन हो रहा। अब ज़ीरो कैसे मेंशन होगा? वापस से इसको एक्टिव करेंगे, या तो डबल क्लिक कर सकते हैं इस पर, ओके, या फिर F2 भी आप प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन की होती है F2, F2 से भी एडिटिंग के लिए सेल एक्टिव हो जाता है। अब ज़ीरो जो सेल है हमारा, जो एक्सेल के अंदर ज़ीरो जो हमने लिखा था वो ड्रॉप हो चुका है, ठीक है? ज़ीरो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो हमको ज़ीरो लाने के लिए क्या चीज़, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना पड़ेगा, देन यू मे राइट ज़ीरो एंड देन एंटर। अब ये ज़ीरो मेंशन हो गया, तो ये बेसिकली ज़ीरो ही इग्नोर कर लेता है, तो ये टिपिकली ट्रीट होता है ये, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कभी भी ज़ीरो से अगर कोई फिगर स्टार्ट होती है, लाइक आपका टेलीफोन नंबर्स होते हैं,
ठीक है, जो आप कोडिंग के साथ रोल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं कभी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है। तो ये तो आप हो गया एंटरिंग नंबर एज अ टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटरिंग डेटा, डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम में आप क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे डेट मेंशन की है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डेट कैसी होती है, DDMMYY मींस डेट, मंथ और ईयर, ठीक है, लेकिन हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ओके। अब आपने जो 25 लिखा है मींस 20th डेट है, और आपका स्लैश भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने डैश लगाया हुआ है, और फिफ्थ मंथ है, और 1990 आपकी ईयर है। अब ये इसने नहीं लिया, वाई, क्योंकि इसका जो सेल का फॉर्मेट है वो चेंज है। वापस से आप इस पर राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल पे, यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है। लाइक आपको इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है, टेक्स्ट में, और उसमें अभी 20th में 1990, या फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। फॉर्मेट सेल पे जाइए, आप यहाँ से दूसरा फॉर्मेट पिक कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या ईयर, मंथ, डेट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जैस एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो, मींस जो भी आपने डेट मेंशन की हुई है वो डेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा एंटरिंग डेट एंड टाइम, ठीक है। डैश को हाइफन बोलते हैं, ये जो डैश आपके पास इसमें मेंशन है वो क्या होता है, हाइफन कहलाता है, ओके। अब आपने सपोज टाइम लिखा, टाइम आप लिखना चाहते हैं तो कॉलन का ज़रूरत पड़ेगी, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस होगा, सेमी कॉलन के साथ जो है, ये आपने जैसे टाइम लिखा, ये टाइम इसने मेंशन कर दिया, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है ये कस्टम रहेगा, या फिर आप टाइम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम ही प्रेजेंट करेगा। तो हर एक जो फॉर्मेट जो सेल है वो अपनी अपनी फॉर्मेटिंग चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एंटरिंग टेक्स्ट और लेबल, ठीक है। अब कुछ जो टेक्स्ट की एंट्री होती है वो कॉम्बिनेशन होती है न्यूमेरिक भी और नॉन न्यूमेरिक डेटा, अब दोनों में किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 98 हेलो 48 मेंशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और नेक्स्ट आपने लिखा A to Z, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 14-3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब थ्री इसने क्या लिया, थर्ड मंथ है, इसने मंथ ले लिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अब आप इसको वापस से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो और मंथ ना लेके जर्नल में आप लिख सकते हो, तो जर्नल में ये आपको इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। यहाँ से आप नहीं तो नंबर्स ले सकते हो तो डेसिमल में शो कर देगा, यहाँ से आप इसका टेक्स्ट में ले सकते हो तो टेक्स्ट में शो कर देगा। अब डैश अगर लगाना है तो हमें इसका फॉर्मेट सेल चेंज करना पड़ेगा और डेट के उसमें ही इसको मेंशन करना पड़ेगा, ओके। इस तरीके से इसने बाय डिफ़ॉल्ट ईयर ले लिया। तो ये हमारी टेक्स्ट की एंट्रीज होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो हर सेल के अंदर टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज़ योर लेफ्ट अलाइनमेंट, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइनमेंट इन द सेल, ये तो हम बाद में इसको चेंजेस कर देते हैं, सेलेक्ट करके लेफ्ट करना है, राइट करना है, या सेंटर अलाइनमेंट करना है, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अपने पास आता है एंटरिंग फार्मूला, हाउ टू एंटर फार्मूला, फार्मूला होता क्या है। अ फार्मूला इज़ अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड नंबर्स, सेल एड्रेस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। अब व्हाट यू मीन बाय पैरेंथेसिस, एक फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास नंबर होता है, किसी सेल का एड्रेस होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ब्रैकेट्स को बोलते हैं, जो आप बोर्ड मास के रूल में ब्रैकेट्स वगैरह आप यूज़ करते हो, शिफ्ट के साथ यूज़ होते हैं ये, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पैरेंथेसिस, ओके। सो हम ब्रैकेट्स का भी यूज़ करेंगे एक्सेल में जब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, राइट। नेक्स्ट है अब आपका
जो फॉर्मूला होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स के बीच में हम बनाते हैं, नहीं तो सिंगल फॉर्मूला एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला किस पे लगाते हैं, न्यूमेरिक्स पर ही यूज़ होते हैं फॉर्मूला। अब एक सिंगल पे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक या दो सेल्स पे जो नंबर्स मेंशन होते हैं वहाँ पे हमको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेल्स को अगर हमको ऐड करना है नंबर्स को, या माइनस करना है, या एवरेज निकालना है, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमको क्या करना है। और कभी भी जब आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप करते हो या लिखते हो तो सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल्स टू लगाना ही होगा, नहीं तो वो फॉर्मूला रन नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल्स टू का सिंबल आपको मेंशन करना है, सेल का रेफरेंस देना है और ऑपरेटर्स लगाने हैं कि आप, ठीक है, डिपेंड करता है, ऑपरेटर्स लगाइए नहीं तो आप रेंज सेलेक्ट करके उसको दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है एडिटिंग सेल कंटेंट। ठीक है, अब एडिटिंग किस तरीके से करनी है, अब कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, अब एडिटिंग द डेटा इज सेल इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट्स, कॉपिंग, मूविंग एक्सेट्रा। अब आपको कॉपी कराना है, मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और दूसरी जगह इसको लाके राइट क्लिक करके या कंट्रोल वी से भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी हो गया, मींस डुप्लीकेट कॉपी बन गई, इन नेम्स की यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो इसको तो हो गया कॉपी करना। मूव करना मींस क्या होता है, मूव करवाना है हमको, कट करना होता है। कट करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल एक्स हमारी शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे लाके अगर हम उसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से वो चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन गई, उसको हमने मूव करा दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, वापस से पोजीशन में ले जाने के लिए अंडू आप कर दीजिए, वो नेम वापस से एज इट इज़ हमारी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो। कोई कंटेंट आपको डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट की का ऑप्शन प्रेस कीजिए, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है समटाइम्स वी हैव मेक मिस्टेक्स वाइल एंटरिंग डेटा इन सेल। ठीक है, आप सेल के अंदर कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हो तो मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, कंटेंट में अगर चेंजेस करने हो तो आपके दो मॉडिफिकेशन होते हैं सेल कंटेंट को चेंज करने के लिए, बाय ओवरराइटिंग, बाय मॉडिफाइंग सेल कंटेंट पार्शियली। अब हाउ टू ओवरराइटिंग किस तरीके से करेंगे, आपके बुक में फिगर 11.2 में मेंशन है, यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री। अब क्या करते हो, उसको रिप्लेस करके, मान लीजिए हमने यहाँ पे 56 लिखा और हमको 65 लिखना था, तो ओवरराइटिंग, आप ओवरराइटिंग करेंगे, क्या करेंगे, या तो उसको डिलीट करके 65 लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे उस सेल को। ठीक है, वापस से हम 56 हैं, क्लिकिंग ऑन इट, क्लिक किया टाइप किया हमने 65, वापस से इसको डिलीट किया और टाइप किया 65, तो वो वहाँ पे जाके एंटर हो गया। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट है, एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का क्या होता है, डॉट डी ओ सी एक्स। विंडोज़ 10 में जो एप्लीकेशंस हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उन सब एक्सटेंशंस के बाद एस एक्स लगता है। ठीक है, और डॉट एक्सेल एस भी ठीक है, लेकिन वो विंडोज़ 7 तक ही एक्सटेंशन लेता है, लेकिन 10 में हम डॉट एक्सेल एस एक्स भी एक्स ही यूज़ करेंगे। अगर एक्स नहीं है तो एस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्शियल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एक्सेल अलाउज टू मेक पार्शियल मॉडिफिकेशन, सो यू शुड नॉट ओवरराइड द सेल कंटेंट फॉर माइनर करेक्शन। ठीक है, यू शुड मेक चेंजेस ओनली द डिज़ायर पोर्शन, टू मेक पार्शियल मॉडिफिकेशन यू यूज़ एनी फॉलोइंग वे सच एज फॉर्मूला बार पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, अपने कर्सर को लेकर आइए, सपोज़ यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर को लेकर आइए, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बार पे भी जाके आप उस अपने सेल के कंटेंट को डिलीट कीजिए,
और वहाँ से एडिटिंग हो सकती है। एक चीज़ और, जब आप काम कर रहे होते हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे की जो स्टेटस बार होती है अपनी, स्टेटस बार के ऊपर एक्सेल की, तो ये एडिट मोड पे चला गया, यहाँ पे मेंशन है। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो ये रेडी मोड पे रहेगा कि सेल में भी आपको लिखना है, और अगर आप किसी जहाँ पे भी चेंज करेंगे सेल के अंदर, तो यहाँ पे एडिट मोड में चला जाएगा। तो इन मोड्स का भी हमको ध्यान रखना है ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, F2 भी कर सकते हो। ओके, डिलीट कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया था, सपोज मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है, या तो मैं बैक स्पेस की यूज़ कर सकती हूँ, एक सेल का यूज़ हो सकता है, या फिर पूरा ही डिलीट करना है, सेलेक्ट कीजिए ठीक है, और डिलीट की ऑप्शन कीजिए, तीनों सेल का डिलीट हो जाएगा राइट। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वापस से ये आया। ओके, आपको क्या करना है, होम टैब पे जाइए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा ठीक है, नहीं तो क्लियर ऑल, क्लियर ऑल कर लीजिए, क्लियर ऑल आ जाएगा। फॉर्मेटिंग अगर कोई क्लियर करनी है कहीं, फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपने जैसे फॉर्मेटिंग की थी, क्लियर फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। वापस से आइए, कंटेंट कोई लिखा है यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन में बहुत सारे आते हैं अलग अलग ऑप्शंस, तो हम पे डिपेंड करता है आपको इजीली करना क्या है राइट। तो ये हमारे पास डिटेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है आपका एंटरिंग फॉर्मूला, हाउ टू एंटर फॉर्मूला, किस तरीके से आपको फॉर्मूला एंटर करना है ठीक है। मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, लिस्ट है ठीक है, उसमें कुछ आपके स्टूडेंट के नेम है, ओरल टेस्ट के 100 में से मार्क्स के, और रिटन टेस्ट के आपके 100 में से मार्क्स हैं राइट। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आप फॉर्मूला एंटर करते हैं। एक्सेल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर है टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा। एक्सेल एक कैलकुलेशन के लिए ही है ठीक है, कि आपका जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, उन पे परफॉर्म कर सकें अपनी कैलकुलेशंस। तो परफॉर्म करने के लिए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, नंबर्स, इस तरीके की फॉर्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं ठीक है। और फॉर्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यूज़ पर ही फॉर्मूला पुट होते हैं ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड पैरेंथेसिस। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी, आप अपनी फिगर 11.5 में भी देख सकते हैं, वेरियस एलिमेंट्स हैं, सेल एड्रेस, इक्वल सिंबल किस तरीके से लगाना है, रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मीन्स सम, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से फंक्शंस यूज़ होते हैं। अब मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं एक स्प्रेडशीट में, वो क्या होते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस का साइन, लाइक ये प्लस का साइन, इस तरीके से ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ये डिवाइड का साइन यहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा ठीक है, इस तरीके से हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें क्या करना है, ओरल और रिटन के, एक अंजू नेम की गर्ल है, उसके मार्क्स ऐड करना है। तो हाउ टू ऐड दिस ठीक है, अब आपको ऐड करना है, तो आप सबसे पहले इसकी रेंज देखेंगे कि किस किस सेल में ये वैल्यूज पुट है। यहाँ पे सी आपका क्या है, कॉलम, और फिफ्थ क्या है आपकी, रो। तो इसका हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो हम बेसिकली जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, C5 प्लस ओके एंड D5। ये तो आपका सिंपल सा एक लॉजिक है कि इस तरीके से आपने सेल का नेम लिख दिया और यहाँ पे आपने ऐड हो गया, दो सेल की वैल्यूज़ में हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा इसमें अगर आप चेंजेस कर देंगे 90, तो ये ऑटोमेटिकली
चेंज हो जाएगा, मींस आपको मैन्युअली रेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक्सेल में जैसे ही आप चेंज करेंगे अपने नंबर्स को, वैसे ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पुट है तो यहाँ पे भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। रेंज भी आप डाल सकते हो, ये तो अभी दो सेल्स के बीच में बात करी थी। अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे ये वाली रेंज के आपको ऐड करना है मार्क्स, तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, सम आप कर रहे हो, यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, राइट। प्लस का सिंबल आपने लगाया, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम। उसके बाद हमको पैरेंथेसिस खोलना है, मींस ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। मुझे रेंज चाहिए ये वाली, ठीक है। तो C5 पे मेरा मेंशन है डेटा, ठीक है, कॉलन यूज़ किया, और मुझे C12 तक लेकर जाना है, C12, ठीक है। और ये मैंने एंटर कर दिया, तो 645 इसकी टोटल मेंशन हो जाएगी, राइट। तो ये रेंज बड़ी थी, ये रेंज खाली दो सेल पर है, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये तो हमने सिंपली फॉर्मूला बार में यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि किस सेल को हमने ऐड किया किस से, ठीक है। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे यूज़ हो गया कि किस तरीके से हमने यूज़ किया है, राइट। अब ये तो हमारे हो गए बेसिक फॉर्मूला सम का। नेक्स्ट आपका होता है कंपाउंड फॉर्मूला। अभी कंपाउंड फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपका 4500 ओके, रेट है आपकी 5, टाइम है आपका 3, उसी सेल में लिखते हैं 3, ठीक है। आप बी सेल में भी ला सकते हो, सपोज़ ये मैंने यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, ये प्रिंसिपल और ये। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब मैं यहाँ हमको यहाँ पे पी इनटू आर इनटू टी मेंशन नहीं करना है, ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। हमको यहाँ पे सेल का रेफरेंस देना है कि B3 पे 4500 है, B4 पे हमारा रेट है, और B5 पे हमारा टाइम है। तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, तो डिवाइडेड बाय 100 आप लिख दीजिए, 675 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड।